हेलो एवरीवन। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ साइट पे जहाँ पे हमारा नया घर बन रहा है। तो आज मैं आपको उसका एक ग्लैंस दिखाऊंगी। अभी ये जो घर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसमें जो है हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं खाली। अभी इसमें प्लास्टर वर्क नहीं हुआ है, लेकिन अंदर प्लास्टर का वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप देखें तो ये हमारा फ्रंट का लुक है, कुछ इस तरीके से ये लुक दे रहा है हमको फ्रंट में। ये हमारी यहाँ पे पार्किंग के लिए एरिया दिया गया है, और यहाँ पे सीढ़ी की मंटी है, और बगल में एक कमरा है जिसकी यहाँ पे आप खिड़की निकलते हो। और ये जो भैया जा रहे हैं ये मिस्त्री है। तो ये जो आप देख रहे हैं पैसे जी, ये हमारा जो घर है इसमें दो साइड रोड है, एक फ्रंट रोड है और ये थोड़ी सी साइड को रोड है। इस रोड में भी हमारा ही पूरा है, ये पूरा बहुत चौड़ा एरिया है। अगर आप देखें तो ये 40x70 में इसकी फाउंडेशन डली है। पीछे को भी कुछ एरिया खाली है जो कि थोड़ा गार्डन और पापा के लिए खेती के लिए छोड़ा गया है। और यहाँ पे आप देखते जाएंगे, यहाँ पे एक कमरा है, उसकी खिड़की निकली हुई है, बहुत बड़ी सी खिड़की निकाली है। आई थिंक ये 6x7 की खिड़की है। और ये दूसरा कमरा है, इसकी भी यहाँ पे खिड़की निकाली गई है, फुल साइज खिड़की दे रखी है। जो पूरा घर है इसमें पूरा ये ध्यान रखा गया है कि बहुत अच्छे से वेंटिलेशन हो, बहुत अच्छे से हवा आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे घर का है बैक लुक है, ये बैक से डिजाइन है, और हमने बैक में ज्यादा स्पेस छोड़ी है। फ्रंट में हमने सिर्फ 15 फिट छोड़ी हुई है खाली एरिया, और प्लस गाड़ी के लिए एडिशनल छोड़ा हुआ है। ये पूरा बैक में एरिया छोड़ा हुआ है। ये भी आई थिंक 40x40, उससे ज्यादा का ही है, बहुत बड़ा एरिया हमने छोड़ा हुआ है। और ये जो एलिवेशन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है पाइपिंग वाला, ये एलिवेशन के लिए पापा और मेरे बीच में बहुत लड़ाई हुई थी, पापा नहीं चाह रहे थे ऐसा, बट मैंने इसको बड़ी मुश्किल से लड़ करके ऐसे बनवाया है। और मैं आपको अंदर से भी इस घर का पूरा लुक दिखाऊंगी। घर का मैप 2 बार क्रिएट हुआ, पहले हमने नॉर्मली क्रिएट करवाया था आर्किटेक्चर से, फिर उसके बाद वो क्योंकि वास्तु के हिसाब से नहीं बना था, फिर मैंने दोबारा से वास्तु के हिसाब से अपने आप बनाया, थोड़ा बहुत पैसे भी दिए दोबारा से, तो मैप भी मैंने ही बनाया, आप देख सकते हैं। जो चलो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ को, के एरिया में आ चुके हैं। अगर आप ये देखें तो ये हमारे फ्रंट में जो हमने एरिया छोड़ा हुआ है उसका एरिया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गार्डन टाइप का आउटलेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो हमने दे रखा है ये हमने कार पार्किंग के लिए दे रखा है, ये इसमें ऊपर से छत भी है ताकि कार की भी थोड़ी सेफ्टी रहे, इसलिए कार पार्किंग का भी एरिया दे रखा है। और सामने आप ये जो खिड़की देख रहे हैं ये किचन की खिड़की है। तो ये हमारी कार पार्किंग वाला एरिया था। कार पार्किंग वाले एरिया से अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारी घर की मेन एंट्री है। ये विंडो है, बड़ा विंडो। पहले ये विंडो सिंगल विंडो बनाया गया था, ये सॉरी सिंगल डोर बनाया गया था, इसमें ये विंडो अटैच नहीं थी, ये विंडो बाद में एडिशनली अटैच कराई गई है। और फिर अगर आप अंदर की तरफ को आएंगे, अंदर की तरफ को अगर आते हैं तो यहाँ से इस वाले कमरे में पूरी सीढ़ियों का लुकआउट दे रखा है। सीढ़ियाँ हमने सी टाइप की सीढ़ियाँ बना रखी है, ये सीढ़ी ऐसे ऊपर को जाते हुए, यहाँ से ममटी का डिज़ाइन और सीट लुक की सीढ़ी है। और ये एक बहुत ही अच्छे साइज़ का कमरा बना हुआ है। यहाँ पे मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ पे सिंक और वॉशिंग मशीन एरिया बनाया जाएगा। और इस सीढ़ी के नीचे अगर आप देखेंगे तो इस सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर का सेक्शन, और हमारे कुत्ते बिल्ली उनके लिए एक छोटा सा घर भी हम बना देंगे। आप एरिया से अंदर की तरफ आएंगे तो ये हमारा हॉल आएगा, ये एक सेक्शन है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा हॉल है। ये हॉल की अगर आप लेंथ और विड्थ की बात करेंगे तो ये 12x22 फिट का हॉल है। और हॉल से जब आप सीढ़ी वाले एरिया से जब यहाँ को अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक इस सेक्शन की तरफ को आएंगे, यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और पीछे की तरफ मेरा एक कॉमन वॉशरूम है। और जब हम इस कमरे की तरफ बढ़ेंगे तो ये एक बड़ा सा कमरा है, ये कमरा भी 12x12 फिट का है। इस कमरे में 2 खिड़कियां दी गई हैं, बहुत बड़ा बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं दोनों इस कमरे में, बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, बहुत ही अच्छा है। और इस कमरे की विंडो आप देखेंगे, सॉरी विंडो नहीं, डोर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का डोर है। इसी कमरे से आएंगे तो यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, वॉशरूम कुछ 7x6 फिट का है और अभी इसमें काम चल रहा है। और वॉशरूम से बाहर निकलेंगे तो ये दोनों कमरे आमने सामने हैं, दोनों कमरों का वॉशरूम यही है। और ये एक छोटा कमरा है, ये कमरा 12x10 फिट का है, छोटा कमरा है, इसमें एक खिड़की है। और आप अगर कमरे के अंदर की तरफ को आएंगे, इस कमरे के अंदर की तरफ को आएंगे तो हमने बाथरूम के ऊपर 2 स्लिप डाली हुई है। थोड़ा यहाँ पे हमारा सामान वामान कुछ एक्स्ट्रा कुछ है सामान तो वहाँ पे रखा जा सकता है, तो एक सेपरेट सेपरेशन दिया हुआ है। और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं सेक्शन के एरिया तरफ से तो हम दोबारा से अपने हॉल में पहुँच जाते हैं। कॉमन हॉल है, बहुत ही बड़ा हॉल है। अगर आप इस हॉल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे
इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक और कमरा है। इस कमरे की स्टार्टिंग हमारी हो जाती है। इस कमरे में भी ये डोर है, ये एंट्रेंस है। इस कमरे की तरफ आएंगे तो यहाँ इस कमरे में भी एक बहुत बड़ी सी खिड़की दी गई है। खिड़की का साइज हर कमरे में सेम है अप्रोक्स। शायद बगल वाले कमरा, छोटे वाले कमरे में थोड़ा छोटा है, उस कमरे के हिसाब से छोटा रखा गया। और ये यहाँ से इस खिड़की से पीछे का व्यू है। और इसी कमरे में हमारा अटैच वॉशरूम भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अटैच वॉशरूम है। इस वॉशरूम का भी लेंथ और ब्रेथ 6x7 का है। और इस कमरे से हम बाहर की तरफ को आएंगे तो हम फिर से हॉल की तरफ ही पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे एक और कमरा है। अभी इस कमरे में पूरा पानी भरा हुआ है, मैं फिर भी थोड़ा सा आगे जाके अगर आपको दिखाती हूँ। ये एक कमरा है। इस कमरे में भी एक बड़ी सी विंडो है, और विंडो है आराम से, बिल्कुल कीचड़ रखा है। और यहाँ पे इसमें इस साइड को, मेरे राइट हैंड साइड पे अटैच वॉशरूम है। कीचड़ हो रखा है तो मैं कैमरा नहीं ला रही हूँ अंदर, कभी बाद में आपको दोबारा दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे पापा तराई कर रहे हैं पानी की, और अभी मिट्टी है, कुछ पक्का फर्श नहीं डला है, और मैं हो गई कीचड़ में गंदी। ओहो, चलो बाहर। इस कमरे से अगर बाहर की तरफ आएंगे तो ये हॉल, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो ये एरिया है। ये एरिया भी हमने ओपन रखा है। ये हॉल ये वाले एरिया में और जो सीढ़ियों की तरफ से आ रहा है, दोनों ही एरिया ओपन रखे गए हैं। इसमें कोई भी विंडो नहीं होगा। अगर हम बाद में चाहें तो विंडो की सेपरेशन, वुडन सेपरेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। और अगर आप इस एरिया की तरफ आएंगे तो ये एरिया हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सी हमने खिड़की दे रखी है। और डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के साथ ही हमने किचन भी बना रखा है, जहाँ पे भैया लोग अपना काम कर रहे हैं। प्लस्तर वर्क चल रहा है अभी। ये विंडो है, बहुत अच्छा साइज का किचन दिया गया है। किचन भी पूरा ओपन किचन है। इसमें मैंने भी कुछ भी वॉल नहीं क्रिएट करी, क्योंकि ओपन किचन में थोड़ा जगह ज्यादा लगती है। अगर वॉल क्रिएट कर दो तो थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। वुडन सेपरेशन अगर हम बाद में चाहेंगे तो बाद में क्रिएट करेंगे। और अगर आप किचन की तरफ से इधर की तरफ को देखेंगे तो बीच में डाइनिंग एरिया था, और ये एक और रूम है। इसको रूम नहीं कहेंगे, ये भी किचन से अटैच ही है पूरा। हमने इसमें भी कोई वॉल सेपरेशन नहीं है। यहाँ पे मंदिर का एरिया क्रिएट होएगा वुडन सेपरेशन से। हॉल भी बन सकता है थोड़ा सा बैठने का, या फिर मंदिर का एरिया। और अगर आप इससे बाहर की तरफ आएंगे तो ये हमारा बैक साइड का एग्जिट है। और ये हमारा बैक में बैकयार्ड टाइप का हो गया। पीछे यहाँ पे वॉल है, रूफ है, और यहाँ पे ओपन एरिया टाइप का, यहाँ पे ओपन एरिया रहेगा। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल ही रहा है, पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो पीछे पूरा एरिया उस वॉल तक आपको दिख रहा है, वो पूरा एरिया कवर किया जाएगा बाउंड्री से। वापस अब हम हॉल की तरफ आ चुके हैं। अब हम हॉल से बाहर सीढ़ी वाले एरिया में जा रहे हैं। अब मैं आपको सीढ़ी वाले एरिया से रूफ तक का दिखा के ले जाती हूँ। ये हमारा सीढ़ी वाला एरिया है। और थोड़ा सा इसको आगे को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे कुछ यूटिलिटी सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। बाहर की तरफ एक छोटी सी स्लैब भी दी गई है। और यह है पूरा हमारे छत का व्यू, बहुत खुला और बहुत ओपन स्पेस है। और यहाँ पे मेरे पापा ने अभी से ही प्लांट लगा दिया है। यहाँ पे आप प्लांट देख सकते हैं। इसको पापा सुबह पानी जब तराई करने आते हैं तो पानी भी डाल देते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी इस साइड को अभी कोई घर नहीं बने, तो सारा बहुत ओपन ओपन एरिया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब ये बन जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो उसकी दिखाऊंगी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय।